हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम राजभर कॉमेडीज एंड टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने फोटो में, जैसे कि आपने फोटो खींच लिया, आपके पास प्रोफेशनल कोई कैमरा नहीं है, तो उसमें DSLR इफेक्ट कैसे डालें। दोस्तों आजकल DSLR इफेक्ट जो है ट्रेंड में है दोस्तों, बहुत सब लोग पसंद करते हैं DSLR इफेक्ट को। सब लोग सब पूरा आगे पीछे मतलब बैकग्राउंड में ब्लर हो जाता है आजू बाजू में, और आप ही सिर्फ देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है फोटो। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने फोटो में DSLR इफेक्ट कैसे डालें, वो भी बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन से। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको DSLR ब्लर इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ऐप को ओपन करते ही देखिए दोस्तों, उसके बाद एक एग्जांपल ओपन होगा, इस तरह का फोटो आपके सामने आएगा। ऐप में ही ऐड है, आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो किस तरह से ऐड होगा, आप सब टूल्स इस पर ट्राई कर सकते हैं कौन सा टूल किस तरह से काम करेगा। ऊपर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, पहला तो आप इमेज पिक कर सकते हैं, दूसरा पूरा क्लियर कर सकते हैं, थर्ड वाला अंडो कर सकते हैं, और बाकी सब फ़ोटो इमेज डाउनलोड करने के लिए दिए गए हैं ऊपर से। और नीचे दोस्तों क्लियर का ऑप्शन है, ब्रश को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, प्लस काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। छोटा सा ऐप है, 4-5 MB का। दोस्तों आप डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी इन्जॉय कर पाएंगे और फ़ोटो की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती इस ऐप में। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आप इस तरह से थोड़ा ध्यान दे के अपने फ़ोटो को ब्लर कीजिए तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर कुछ परेशानी है तो ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। इमेज एडिट हो जाती है, ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, बैक करते ही आपको दोस्तों देख सकते हैं बैक सेव करने का ऑप्शन भी था पिछले में। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अपना फोटो एडिट करके दिखाता हूँ। गैलरी में से पिक करते हैं, ये रहा हमारा इमेज। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले से ब्लर हुआ आया, अभी मैं इसको मुझको क्लियर करना है। अगर आजू बाजू में ज़्यादा क्लियर हो जाता है तो दोस्तों आप ब्लर का इफेक्ट वापस डाल सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, छोटा सा ऐप है। तो दोस्तों आप फोटो को ब्लर करना आप समझ ही गए होंगे। आप दोस्तों सब कुछ आप टूल ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे टूल्स हैं। तो ये लीजिए हमारा इमेज सेव हो गया। दोस्तों ऊपर फोल्डर दिखा रहा है कि इधर सेव हुआ है, आप इसको इंस्टाग्राम फेसबुक इधर भी सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है सेव ब्लर। दोस्तों DSLR ब्लर ऑप्शन में आपको बहुत अलग अलग शेप के ब्लर मिल जाएंगे, जैसे आपको हार्ट में ब्लर करना है, किसी शेप में ब्लर करना है, फ्लावर में ब्लर करना है, किसी टाइप का भी ब्लर करना है आपको तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सभी तरह के टूल्स ट्राई करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया हार्ट, दो बार क्लिक करेंगे तो ब्लर होगा, और क्लिक करने पर क्लियर होगा। ये देखिए मस्त। ये हो गया एप्पल, माय गॉड हाउ मच ऑसम शेप्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बात, और दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप नीचे तो स्क्रॉल करते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। अगर दोस्तों कुछ सुझाव है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, हमें बताइए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं है। दोस्तों अगर आप सुझाव देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। एक बार और फिर से, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।